जिंदगी के उस मुकाम पे जा पहुंचा हूं जहां सारे रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं। बात तब की है जब मैंने अपने क्वाड्रेटिक लाइफ के रूट्स ढूंढने की कोशिश की थी। मेरा नाम y=1 है, रियल परिवार से हूं, बड़े ही संस्कारी परिवेश में पला बढ़ा, किसी भी अननोन फंक्शन से दूर रहना विश्वास करना कि घर देर से लौटेगा तो FFG या GFF जैसे कंपोजिट फंक्शन FFG या GFF जैसे कंपोजिट फंक्शन तुझे उठा ले जाएंगे जिन्हें मैं समझ नहीं पाऊंगी। मेरी मां y=x-1 है और मेरे पापा का नाम x=2। मैं y=mx+c में c से बस चू ही रह गया। m से मेहनत हुई नहीं मुझसे, ना ही उसका कोई फल मिला मुझे। बचपन से ही कॉम्प्लेक्स बनने के ख्वाब संजोता था मैं। धीरे धीरे करके मेरे सारे दोस्त आर्गेंट प्लेन में शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे करके मेरे सारे दोस्त आर्गेंट प्लेन में शिफ्ट हो गए, अपनी अपनी आयोटा के साथ खुश हो गए। कई लोग उसके अगल बगल घूमते फिरते थे, लेकिन उसे तो सिर्फ मैं ही पसंद था। लेकिन दोस्तों, ये एक्सपोनेंट जात का भी कोई भरोसा नहीं। एक दिन अपने बगल वाले एलन के साथ जुड़ के कॉन्स्टेंट हो गई। कॉन्स्टेंट हो गई, कहने लगी मैं जिस भी घर में जाऊंगी लॉगरिथमिक लूंगी। एलन 1 सुनते ही मैं बिल्कुल 0 हो जाता। कॉलेज की तैयारी के लिए मैं बिल्कुल टेंजेंट हो गया, बस एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दूसरा कोई डायमेंशन नहीं। चयन बेस्ट कॉलेज में हुआ, वहां कई दोस्त बने मेरे, एक फंक्शन के कई इंटरसेक्शन मिले। ये एक दिन मेरी नजर वहां के सबसे खूबसूरत फंक्शन पर पड़ी। वहां के सबसे खूबसूरत फंक्शन पर पड़ी y=sin x नाम का। Y2 पे अपने गुरूर में इठला के गुजरती थी। और L5 पे डाउन टू अर्थ होके पूरे डोमेन में -∞ से इंफिनिटी तक दिखाई। काफी कंजर्व रहती
ही थी वो, माइनस वन से वन के ऊपर किसी से बात तक नहीं थी। पूरे पीरियड में मुझे बस एक बार हाय कह के गुजर जाती थी, दो बार मिल गई थी। मेरे दोस्त माइनस वन को भी बस एक बार हाय की फॉर्मेलिटी मिल पाती। मेरे दोस्तों को मेरा दर्द देखा न गया कि वे लोग मुझे एक दिन लव बाबा के पास लेकर वहां पूरे एक साल तक कॉर्ड बना रहा मैं, बाबा जी और साइनेक्स बस यही चलता था। सीजीपीए, सोसाइटीज, हेयर स्टाइल, नॉन फॉर टैलेंट बढ़ाने के बाद मैं बिल्कुल आधा हो चुका था, वाई इज इक्वल्स टू हाफ। काफी अच्छा लग रहा था मुझे। उस दिन क्लास जल्दी पहुंचकर मैं पाई बाई सिक्स वाली बेंच पर जा बैठा। और देखता हूं तो मेरी आंख फटी की फटी रह जाती है कि अब वह क्यूट या कंजर्व नहीं रह गई थी। वह तो एक खुली किताब बन चुकी थी जिसे सब मजे में पढ़ रहे थे। इसका इन्वर्जन हो चुका था, मोहतरमा को अपने दोस्त औसत एक्स कह के पुकारने लगे। पाई पर जहां डाउन टू अर्थ हुआ करती थी वहां आज एटीट्यूड सातवें आसमान पर। यह देख मैं बिल्कुल हार गया और खुद को यह कह के बहला लिया कि लगता है मेरे किस्मत में कोहिनूर लिखी है। धन्यवाद।